या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे बंदो, इस्तईनू बिस्सब्री वस्सला, अगर अल्लाह की मदद चाहिए, अगर अल्लाह की मदद चाहिए, आप अगर अल्लाह से हेल्प लेना चाह रहे हैं तो अल्लाह ताला बोल रहे बिस्सब्री वस्सला, सब्र के जरिए और नमाज के जरिए दो चीजें हैं अल्लाह से हेल्प लेने की। ये अल्लाह की हेल्पलाइन है, इस पे कभी भी ये दो नंबरों पे फोन करे तो अल्लाह ताला फोन उठा के आपकी हेल्प करने लगा, ठीक है। दो चीजें, एक सब्र, दूसरी नमाज, ठीक है। अल्लाह ताला ये आयतों में इन दो ये दो नंबरों के बारे में अल्लाह ताला जिक्र करे, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सला। देखिए प्यारे बच्चों, एक और जगह एक आए थे, इन्नमा युवक्कस्सौबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, कोई बंदा या कोई मुसलमान बंदी, नेक बंदी अल्लाह के, कोई भी मुसलमान मोमिन जब कभी भी कोई तकलीफ पहुंचने दे, चाहे वो कोई भी किस्म की तकलीफ रहे, कभी क्या होता कोई बड़े छोटों को छिड़की दे देते, बड़े बड़े कभी नामों से बड़े, अरे कल जाए जाए जाओ, तो क्या है बच्चों, ये एक किस्म की तकलीफ रहेगी अगर बड़े कोई बात बोल दिए, या रस्ते में आपको चलते चलते कोई ठोकर लग गई, ठीक है। ये छोटे छोटे तकलीफ दिन भर एक दो तीन चार कभी भी ऐसा मिल जाए, और कभी क्या होता बड़ी तकलीफ भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, तकलीफ दिए तो मैं सबर कर रहा, ठीक है, इन लोगों को नहीं मार के मैं सबर कर रहा हूँ, दीवाने को दिया। तो प्यारे बच्चों, कौन सी भी किस्म की जो भी तकलीफ रहने लगे, ये तो दुनिया की तकलीफ होंगे, किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया, किसी के मामा का इंतकाल हो गया, किसी के भाई का, किसी के बहन का, ऐसे किस्म किस्म के छोटे बड़े हर किस्म के तकलीफ मिलते रहते हैं इंसान। अच्छा, ये तो हो गए दुनिया के, एक है दीन की भी तकलीफ, दीन के काम में भी तकलीफ हम बर्दाश्त करना पड़ा, ठीक है। अब कोई क्या करे, अब साहब समझो नहीं बच्चा है, उन्होंने रोड पे जा रहे नमाज का टाइम हुआ, उन्होंने बोलते बिलाल को चलिए भाई नमाज को चलिए, तो बिलाल बोलते अरे जा रहे था मऊ साहब तू चल पूजा मैं के भी तो नमाज को, नहीं तो लोग बोलते अब भी आ रहे तो क्या दो मिनट में वजू करने का तुम घर, उन लोग नहीं आ रहे अभी इसको तकलीफ होती, समझ में आई ना। तो ये दीन की तकलीफ, इन्होंने चाह रहे थे मैं किसी को नमाज को लेके जाऊँ, अल्लाह पता मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा नहीं क्या देना, तो कोई इनको गाली दे देता परेशान के, कोई इनको झूठ बोल देता, ठीक है। तो अल्लाह किसान के दिन में भी बहुत सारी तकलीफ आए अपनी जिंदगी में, तो यह रहती स्कूल में टीचर मारते, कभी कोई दोस्त से लड़ाई हो जाती, कभी कोई कुछ चीज छीन लेते, पेंसिल ले लेते, रबड़ ले लेते, कोई मार देते, ये दुनिया की तकलीफ तो चलते रहते, लेकिन दीन की तकलीफ खास तौर पे दीन के लिए जो तकलीफ होते, और मिसाल के तौर पर बहुत सारे तकलीफ, अब घर में पूरे रिश्तेदार आके बैठे हुए हैं, चार बच्चे मदरसे को जाना है, अब ये तकलीफ हो जाती है, अरे पूरे कजन आए हुए हैं, रिश्तेदार आंटी आए चाचा आए सब आके हुए, घर में अच्छा माहौल है, अब चार बज रहे हैं, मैं कह तो बाहर घर का पैसा लड़का पीछे पड़ जाते, अच्छा दीदी तकलीफ है, बच्चों को तकलीफ महसूस होती, अरे पूरे एंजॉय कर रहे मैं वो सब चीज छोड़ के आके पढ़ना करती, फायदा पढ़ना टेल हदीस पढ़ना, तो ये किस्म की तकलीफ भी थी बच्चों। अच्छा सर्जन के बिना कर रहे सुबह में फजर के टाइम पे अच्छी नींद आती मिट्टी, शैतान क्या करता पेशाब कर देता कान में करके, अपने को मिट्टी नहीं सुना देता, सो जा बेटा सो जा, दवाई बदल के सो जा, हमने ले लिया है ये,
बर्तन भी तोड़ जाते थे कि जहां पर कभी ठंडा पानी आता गर्म नहीं रहता, तो सुबह सुबह फजर से पहले से ठंडे हवाएं चलते रहते, सर्दी होते रहती, मुश्किल से होते, अब वजू करने के लिए ठंडा पानी कहाँ तक ऐसा वो कहा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये दीन की खातिर अपन अल्लाह को खुश करने के लिए, नमाज के लिए, कुरान के लिए, ठीक है, कुरान मजीद के लिए, कोई भी काम के लिए नहीं, ठीक है, कुछ भी काम रहने दीजिए, अल्लाह की खुशी के लिए दीन में जो तकलीफा होते, ठीक है, जो तकलीफ दीन में अल्लाह को खुश करने के लिए अपन बर्दाश्त कर दे, उससे अल्लाह ताला बोले कि नमा युवा पर सौ अगर हूँ अल्लाह ताला क्या करेंगे, सबर करने वालों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बदला देंगे बगैर हिसाब, ठीक है। अगर समझे मिसाल के तौर पे आप 10 रुपये लेके गए अल्लाह जिंदे की दुकान पे, ग्यारह बच्चों को हमारे मुताबिक लेकर पूरा होने वाले तो बोले अल्लाह जिंदे किराने वाले मिट्टी की दुकान, ठीक है, मस्जिद के पास, हाँ, तो बात लोगों को नहीं मालूम, क्लियर कर दिए, हाँ ठीक है, सुनिए ठीक। अगर कोई बच्चा 10 किलो ले गया तो अल्लाह जिंदे को बोले अल्लाह जिंदे 10 रुपये का तुझे खाने का आइटम दो, अच्छे मीठे मीठे चीज़ें, तो बस समझिए अल्लाह जिंदे क्या करे, 100 रुपये की चीज़ें दे दी, आपको कैसा दिखा, नको नको भाई वापिस कर दो, मेरे को 10 रुपये का ही दो, क्या बोलिए, हाँ जमा चला अल्लाह जिंदे मस्त है आप, जबरदस्त दिख रहे हैं आप, हीरो दिख रहे हैं आप, जो जो होते पूरे बड़े हैं, ऐसी अल्लाह ताला बोले बगैर हिसाब किताब के बहुत सारा रिवार्ड देंगे, बहुत सारा बदला देंगे, अल्लाह किसको देंगे, लेकिन सबर करना, और कौन सा सबर करना, दीन का सबर करना, कौन सा सबर करना, प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चियों पहले में बुढ़ियों, अल्लाह ताला क्या बोले कि अम्मा युवा को सौ दिनों में रहूँ ये रहे हिस्सा, जो कोई दीन के खातिर कोई तकलीफ बर्दाश्त करे उनके लिए अल्लाह ताला बहुत सारा सवाब देंगे। अब मैं बैठ सकता था, मैं सोचते थे थोड़े पैरान कर दूंगा, आप लोग दीन की बात बताना तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेरे को और ज्यादा सवाब देना बोले, ठीक है, बोलो समझ में आई बात, अच्छा देखिए, अब देखिए कोई भी काम अगर गंदा है, ठीक है, दुनिया के हिसाब से अच्छा है, दीन के हिसाब से गंदा है, दुनिया के हिसाब से अच्छा है, तो उसमें सब लोग मिलकर आपको सपोर्ट कर दे, मिसाल के तौर पर गाने सुनना है, ठीक है, इन लोग का तीन एक गाना जमा हुए समझो मिसाल के तौर पर, तो अवसर बोले बैठे बैठे क्या करेंगे, गाना लगाएंगे, उसमें लगा दोनों बच्चे हवा वो कौन सा गाना, मुन्नी बदनाम हुई बोल के लगाओ बोलते बोलते नाचेंगे अपन जबरदस्त होके बोलते, ठीक है, निशान दे समझो प्यारे बच्चों, समझे निशान इन लोग का गाय नहीं समझे ना, निशान दे, ठीक है, अभी गाना लगाए समझो तो इन लोग का डोर भी नाच के, ठीक है, तो दुनिया के हिसाब से नाच गाना नाचना गाने बजाना डिस्को करना ऐसा हलाना पीछे का हलाना सामने का हलाना, तो इससे दुनिया के पूरे लोग मिलकर आपकी तारीफ भी करते हैं, खुश होते हैं, पूरे मिल के एंजॉय करेंगे बोल के बोलते, ठीक है, अरे जबरदस्त गाना बजाए लोग नाचेंगे लाने, आप अपना देखे ना शादियों में क्या होगा, शादियों में बाजा बजा देना बाजे वाले आके, तो लोग कहते देखते हैं लोग जाके नाचते हैं ना, नाचते खरीद के लोग तो नाचते हैं, जिसके भाई बहन अकेला होता है, दूर के लोग भी साइंस के रोड पे चल रहे हैं, अरे बाप भाड़ा वगैरह बाहर एक जो हाथा हाथी रोड के लोग भी देखा हूँ नाचते नाचते ही चले रहे, तो प्यारे बच्चों देखिए ये निशान समझ नहीं आएगा आपको, गाना और नाचना ये गंदी चीज है दीन के हिसाब से, जो नाचेंगे गाएंगे अल्लाह ताला क्या करेंगे उनको दौलत में चलेंगे, लेकिन दुनिया के हिसाब से अच्छा है, माता माताना फोटो जो डीजे बजता है ढिंग लोग खुश होते, और क्या करते कोई भी रुका नहीं है ना, अरे कहीं बता रहे भाई गलत काम है कहीं कोई ना कर बाजा बंद कर दो, नहीं
सब जने शादी में रहते मिलके पूरे नाचते खुश होते क्या कलर आप ठीक रहते ये वो कर लेते पका से खोते खुश होते हाँ पैसे लोग क्या पैसे लोग आपसे बोल रहे हैं देखो देखो मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों बात सुनी तो दीन के हिसाब से जो काम गलत रहता और दुनिया वाले जिसको अच्छा समझते वो काम में सब क्या करते अपना साथ देते और जो दुनिया के हिसाब से नहीं बहुत बर्डन काम दिखता बहुत बर्डन दिखता बहुत मुश्किल दिखता लेकिन आखिरत के सन से बहुत अच्छा है अल्लाह ताला वाले ये काम करके आए तो मैं खुश होता हूँ जन्नत देता हूँ कैसा काम मदरसा मस्जिद जाना अब देखने में ऐसा दिखता चार बज गए ऐसा दिखता बहुत तकलीफ दिखती हाँ हो गई अपने को क्या हो तकलीफ दिखती हो दुनिया के हिसाब से तकलीफ दिखी लेकिन आखिरत के हिसाब से उसके अल्लाह तला अंदर देने वाले जैसा पीछे वाले बाबा का रूम बैठ के वैसा अंदर में क्या करेंगे अंदर देंगे समझ में आएगा देखो गौर से सुनो प्यारे बच्चों अब यहाँ के असली टॉपिक है मैं ये सारा लेकर आपको समझाना चाहूँ तो दुनिया के गलत काम वो आखिर अच्छे दिखते और आखिरत के हिसाब से अच्छे काम ले रहे दुनिया में समझ में आया नहीं आया आपकी मर्जी ठीक है समझ में आई बात अब देखिए एक शेर बोलता हूँ शेर सुन अंदाजे बयान डर के बहुत शौक नहीं अंदाजे बयान अगर के बहुत शौक नहीं है शायद से तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात आप लोगों के दिल में मेरी बात उतर गई अच्छा उतर गई तो बहुत अच्छी बात है जवाब अब सुनिए प्यारे देखिए अपने प्यारे नबी को जब अल्लाह ताला दुनिया में भेजे ठीक है अब यहाँ से मेरे पॉइंट पे सुनिए अक्सर जो आपको समझा है अपने प्यारे नबी को अल्लाह ताला जब दुनिया में भेजे तो शुरू से नहीं थे इंसान थे छोटे बच्चे थे पैदा हुए थे फिर आहिस्ता आहिस्ता आएगा हाइट बढ़ रही थी उम्र बढ़ रही थी ठीक है तो अपने नबी जिंदगी गुजार रहे थे तो प्यारे बच्चों अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र को पहुंचे जब उनकी एज 40 इयर्स हो गई तो जब अल्लाह ताला उनको जिम्मेदारी दे जब नबी बने अब यहाँ से आप अल्लाह ताला का नूर कुरान मजीद अब आपके ऊपर अल्लाह ताला उतारेंगे उसके बाद कुरान मजीद में अल्लाह के नूर में कुरान मजीद को अल्लाह का नूर भी बोल ठीक है तो अल्लाह के नूर में अल्लाह की किताब में कुरान मजीद में जो भी बातें हैं जो भी अल्लाह के हुक्म है वो अब लोगों को पहुंचा है समझ करेगा तो देखिए कुरान मजीद अल्लाह ताला अपने नबी को देने से पहले अपने नबी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार दे ठीक है जैसा नॉर्मल सब लोग रहते अपने नबी भी वैसा रहते और बिजनेस करते थे कारोबार करते थे गरीबों की मदद करते थे अच्छे अच्छे काम जभी भी करते थे ठीक है पुराने मस्जिद आने से पहले भी अच्छे अच्छे काम करते थे तो प्यारे बच्चों उस वक्त में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई को देख के उनके जमाने के काफिर और मुशरिक भी अपने नबी को साजिद और अमीन बोलते अगर अपने प्यारे नबी ऐसा चाह रहे होंगे रोड पे थे देखो देखो साजिद जा रहे हैं देखो देखो अमीन जा रहे हैं उनके पता साजिद का मतलब है सच बोलने वाला और अमीन का मतलब है अमानतदार वो क्या बोले हाँ ईमानदार ठीक है वो ईमानदार अब कोई ये चिट्ठी दिए तुम टाइम पे भी वापिस करो समझे प्यारे बच्चे अब मैं इनके ने फोन रखाया तो इन मुझे टाइम पे वापिस दे रहे ठीक है अब क्या कर रहे हैं आदित्य ने वहां बोल के अंदर ला रहे दे रहे हैं मेरे को वहां तो ये चीटिंग है समझे तो अपने नबी चीटिंग नहीं करते समझ में आई बात अपने नबी तो जो कोई भी चीटिंग नहीं करते उनको बोलते अमीन क्या बोलते कौन जो चीटिंग करते उनको बोलते हैं किसको बोलते
सुनिए, जो चीटिंग नहीं करती है, हाथ नहीं बांधती है, ठीक है, उनको अमीन बोल। और जो सच बोलता, वो हाथ के बांधने वाला नहीं, वो छोटी की बात बोला, जो सच बोलते उनको साबित बोल, ठीक है, अमीन सच्चे इनको साबित बोल सकते। अगर इनको चीटिंग नहीं करेंगे तो इनको अमीन बोल सकते। तो ये दो नाम रखे थे, वो लगे थे मक्के के अपने प्यारे नबी के जमाने के काफिर और मुशरिक। अपने प्यारे नबी को बोलते थे, अरे देखो देखो वो मोहम्मद था, देखो उनको साजिश है, देखो देखो उनकार, देखो उनको अमीन है, वो देखो। समझ में आई बात? हाँ। तो प्यारे बच्चों, अपने नबी की पहले दुश्मन की तारीफ कर दो, क्या कर दो? हाँ। अपने नबी के जो लोग दुश्मन थे, जी अपने नबी के दुश्मन भी तारीफ करते थे, लेकिन सुनिंग यहाँ सुनिंग पूछना बोले। हाँ, मैं हर बात बोलता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है, देखिए। तो प्यारे बच्चों, अपने नबी को कुरान मजीद अल्लाह का नूर देने से पहले लोग आपकी तारीफ करते थे, अच्छा इंसान है बोलते, ठीक है, मोहम्मद बहुत अच्छा इंसान है, अच्छे आदमी है, बोलकर तारीफ करते थे। लेकिन कुरान मजीद आ जाने के बाद जब उसमें आया अल्लाह का हुक्म, नमाज पढ़ो टाइम पे, ठीक है, सबर करो, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, ठीक है, सच बोलो, अच्छे अच्छे काम करो, बुरे कामों से बचो, बल्कि जब अल्लाह तआला कुरान मजीद में ऑर्डर दिए, तो अब काफिरों को मुश्रिकों को बेचैनी शुरू हो गई, ठीक है, समझ में आई ना? हाँ, जब तक कुरान मजीद नहीं आया था अपने नबी से वो लोग खुश थे, ठीक है, लेकिन कुरान मजीद आने के बाद अब वो लोग समझ गए, अरे कुरान मजीद में तो बहुत सारे ऑर्डर थे, मुश्किल मुश्किल है। कौन से हिसाब से मुश्किल है? दुनिया के हिसाब से, लेकिन आखिरत में अच्छे हैं। अब नमाज पढ़ना है, कहाँ की नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, तो अब वो लोग अपने नबी के दुश्मन हो, कहाँ फिर सच बोलना नहीं बोलना, लेकिन जब कुरान मजीद में अल्लाह तआला बोले सच बोलना, तो उन लोगों को मिर्चियाँ लग गई, ठीक है, उन लोगों की अब अपने हैदराबाद की जबान में बोलते हैं कोई विवाद हो जाए, अरे इनकी जल्दी बोलते होते थे, तो उन लोगों की वैसा जल गई, ठीक है, समझ नहीं आई ना प्यारे बच्चों बात? हाँ। तो अब काफी रंग क्या करें, अरे शराब तो हमने डेले नहीं देना, तो अभी कुरान मजीद में अल्लाह के नूर में शराब में कुछ उपयोग हो जाता था, शराब बैन कर दिया इस्लाम में, शराब नहीं पी सकते कोई भी, गलत काम नहीं कर सकते, तो उन लोगों को आदत थी, उन लोगों का क्या करें, नबी के दुश्मन बन गए, कल तक जो तारीफ कर देते आप क्या करें, दुश्मन बन। समझ में आ रही बात? हाँ। तो प्यारे बच्चों, अब उसके बाद अपने नबी क्या करें, दीन का काम शुरू करें, क्या करें? हाँ। तो दीन का काम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुरू करें, और काफी हम क्या करें, देख के समझ के हो के ये तो बहुत अच्छी चीज है, माँ बाप की खिदमत करना सिखा रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ना सिखा रहे हैं, नेक काम करना सिखा रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाएंगे, सब लोग इस्लाम डालेंगे, सब मोमिन बन जाएंगे, सब अल्लाह को मानने वाले बन जाएंगे। ये सुन के वो लोग क्या करे, अपने जबानों से अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहे, मतलब कुरान मजीद को बुझाना चाहे। कुरान मजीद क्या है? अल्लाह का नूर है, नूर मतलब रोशनी समझे, जैसा ये बल्ब से रोशनी है ना, अब अंधेरा है समझे, बल्ब खोले लाइट खोले तो रोशनी रहेगी ना, रहेगी तो नूर भी ऐसी रहता, जहाँ पर भी अंधेरा रहता, जहाँ पे कुफ्र रहता, जहाँ पे जुल्म रहता, जहाँ पे शिर्क रहता, वहां से अगर नूर चलेगा तो सबको ठीक कर देता और उजाला कर देता। समझ गए ना? तो कुरान मजीद एक नूर है, अगर कोई भटके हुए है, कोई गलत रास्ते पे है, अगर वो लोग कुरान मजीद तिलावत करे, कुरान मजीद समझना शुरू करे, पढ़ना शुरू करे, तो वो लोग सीधे रास्ते पे आ जाते, उनको रोशनी मिल जाती, ठीक है। अगर मैं दोबारा